आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है, आपने तो सीपीएम की सरकार ने उसको खुद भोगा है ना, उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी, आज भी आप अपने सात अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती हैं ना, सब भूल गई आप? आप भी सीपीएम से भी, सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में और पुलिस के द्वारा ब्रुटैलिटी में। ये बहुत ही हर्षना योग्य है। ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आप तीन दिन बाद की मुख्यमंत्री हैं, हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं। आजकल आपको क्या हो गया है ममता जी? ऑल योर रिएक्शंस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल is totally contrary to your own political evolution and also your suffering. जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है, क्या टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है? क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है? तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को कि आप आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं, भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी, भाजपा उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं, उस समय हम लोग छात्र थे। मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी और उस कारवां को रोक नहीं पाए। ममता जी, आपने भी बीजेपी के कारवां को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कारवां के प्रवाह को मत रोकिए, जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी, ये बात हम कहना चाहते हैं। और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपीज, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, सड़कें रोक, ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो, ये तो मैंने नहीं देखा है।
बैरिकेड्स। तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है, रूटेड। ममता जी तृणमूल का नाम बदल दीजिए, अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं, 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं, इनको गंभीर चोट लगी है, और बाकी हावड़ा स्टेशन पर सुकांता मजुमदार, संतरागाछी में शुभेंदु अधिकारी, स्कॉट से दिलीप घोष से चले जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोका। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बाकी एमपी की बात तो मैंने आपसे की। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मित्र, उसके बाद मैं पूरब के बाद एक दूसरे पूरब के इसे गाता हूं जो मेरा प्रदेश भी है, बिहार। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको यह क्या क्या पदवी मिल रही है, और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आया, कहा गया कुछ और है मामला।